दो बंदे भी जाएंगे बड़े। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ पर ये हमारी टीम ने आज यहाँ पर एक लंगर वितरण का प्रोग्राम रखा था और आज यहाँ पर जो यहाँ पर लोग आते हैं जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों से आए हुए हैं उनमें से कोई भी भूखा ना रहे, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कहीं भी यहाँ पर दुकानें नहीं खुली हैं, इसलिए ये लोग ये यहीं पर जो लंगर जो वितरण किया जाता है उसके सहारे यहाँ पर हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग सक्षम हैं उन लोगों को आगे आकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो दवाई के लिए दवाई के तौर पर हो, चाहे वो लंगर के तौर पर, चाहे चाय वगैरह जो भी इनको जिस चीज़ की जरूरत है, जो जो व्यक्ति सक्षम है वो इनकी मदद करने के लिए आगे आए। और मैं समाज से भी एक अपील करना चाहता हूँ, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, तो हमारा दायित्व है कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें। देखिए अगर आप घर से निकलेंगे तो आप अपने घर के लिए भी एक खतरा बनते जा रहे हैं। तो ये कोरोना महामारी जो है ये किसी को बख्शने वाली नहीं है, ये कोरोना महामारी ने लाखों लोगों की जो जान है वो इस हिंदुस्तान में ली है और ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। तो हम समाज से ये अपील करते हैं कि इस महामारी को अगर जड़ से खत्म करना है तो आपको 14 दिन के लिए एक प्रण लेकर घर के अंदर लॉकडाउन होना पड़ेगा। और जब आप घर में 14 दिन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और आप पूर्ण रूप से बंद रहेंगे तभी आप इस बीमारी को जो है वो जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं, पूरी सरकारें, WHO और यहाँ के डॉक्टर वगैरह बार बार मीडिया के माध्यम से सभी को ये अपील कर रहे हैं कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। यही हम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं और लोगों से अपील भी करना चाहते हैं।